हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? और हम दोबारा से एक ब्लॉग में फिर से जुड़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो अभी का टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, और आपको बता दूं कि आज जो हम जगे थे 10:30 बजे जगे थे, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था जगने में। तो काफ़ी अफसोस हो रहा है यार, इतना सो गया मैं बहुत ज़्यादा। तो गलत मौसम भी थोड़ा सा ठंडा कर रखा है, मतलब कहने का मतलब है बारिश का जो मौसम लगा रखा है ना, इसलिए थोड़ा ठंडा सा लग रहा है। तो आई थिंक बारिश हो सकता है कभी ना कभी, किसी टाइम भी हो सकता है। तो गाइस, मुझे कपड़े लेने जाने थे कल, और मैं कल गया नहीं था, तो सोच रहा हूँ कि आज चला जाता हूँ। तो थोड़ा बहुत भूख सा लगा है, तो पहले ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ अपना। वैसे ब्रेकफास्ट तो करता हूँ नहीं मैं करते, बट कल ही लाया था 2 अंडे, लेकिन कल खा नहीं पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज खा लेता हूँ। ठीक है, क्या फ़ायदा, पड़े पड़े रहेगा ऐसे ही, तो बेहतर रहेगा कि खा लें, अच्छा रहेगा। और थोड़ा भूख सा लग रहा है, तो मैं ब्रेकफास्ट बना के खा लेता हूँ। मतलब बनाना क्या है, अंडे आमलेट बनाऊँगा, उसका आमलेट बना लेता हूँ, उसके बाद खा लेता हूँ, उसके बाद फिर खा के कपड़े उपड़े बदल के फिर मैं जाता हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कपड़े लेने हैं। फिर लेके उसको सिलवाने देने, क्योंकि मुझे बस एक शर्ट का कपड़ा लेना है और उसे सिलवाने देना है। तो गाइस, फटाफट से आमलेट बना लेता हूँ 2 अंडे का, और खा के अपने निकलता हूँ। तो गाइस, मेरा आमलेट बन चुका है, आप ये देख सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि मैंने कढ़ाई में बना दिया, क्योंकि मेरे पास आमलेट बनाने के लिए कोई स्पेशल बर्तन नहीं है, मतलब तवा नहीं है। तवा इसलिए नहीं क्योंकि रोटी नहीं पकाता हूँ, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए नहीं, रोटी पकाने के लिए मैंने तवा रखा नहीं है। बट कभी कभी ऑमलेट बनाना होता है, तो मैं इसमें बनाता हूँ और खाता हूँ। तो आप इसे खा लेते, बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस, जो ऑमलेट मैंने बनाया था वो खा लिया, थोड़ा सा नमक तेज था, तो अगर देखा जाए तो उसके कंपेरिजन में, मतलब मार्केट के कंपेरिजन में जो है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना था। क्योंकि घर में कितने भी बढ़िया से बना लो, लेकिन जो मार्केट का स्वाद है ना, उसके जैसा नहीं मिलेगा। कई बार मैंने बनाने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट के जैसा नहीं बना पाया, पता नहीं उसके हाथ में क्या चला है जो हम नहीं कर पाते हैं। बाहर तो बिल्कुल धूप तो है ही नहीं, मतलब मौसम तो पूरी तरह से बारिश के जैसा कर रखा है, मतलब बारिश तो हो गई। तो गाइस, मेरी साइकिल नीचे पड़ी है, मतलब दिखाई दे रहा होगा आपको इधर नीचे। तो हम जा रहे हैं पहले कपड़े लेने, और आधे घंटे का टाइम है मेरे पास। तो गाइस, मैं नीचे आ गया और गेट लगा देता हूँ, वरना कुत्ते बुत्ते सारे घुस जाते हैं। तो गाइस, आपको बता दो, क्या मैंने खाली पेट वो ऑमलेट खा लिया? ठीक है, हालांकि ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, मतलब पानी पीने के बाद ही कुछ खाता हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ, हाँ तो एक अंकल बैठे थे इधर बगल में, वो कह रहे थे वीडियो बना रहे हो, ठीक है, हमारी ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वो हंस रहे थे। गाइस, मैं ये कह रहा था कि खाली पेट में कुछ नहीं खाता, पहले पानी पीता हूँ, उसके बाद ही कुछ खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो मैं पानी पीना भूल गया था, और ऑमलेट से देखा लिया, उसके बाद पानी पिया। तो भैया पीछे देख लो, बच्चे रोड पे खेलते रहते हैं, तो काफ़ी मिस्टेक होती है ऐसे में। और एक बार हो भी गया था, और ज़्यादा चोट नहीं लगा, मतलब मेरी साइकिल से बच्चे की टक्कर हो गई थी, बच्चे मेरे से टकरा गया था, मतलब मैं नहीं टकराया था। तो फ्रेंड्स, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो इसी बीच मेरी साइकिल में कुछ गड़बड़ी है, तो मैं उसे भी ठीक करा लेता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मेरा साइकिल, तो उसे ठीक करा लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे निकलता हूँ। तो मैं दुकान के पास गया था, बट यार पहले उधर का काम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है ना अपना साइकिल रिपेयर कराऊँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो ठीक हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा, पहले मैं उधर से आता हूँ, तो चलते हैं। तो गाइस, ऑलमोस्ट दुकान के पास आ चुके हैं और आ भी गए हैं, तो हम देखते हैं कौन सा कपड़ा पसंद आता है, उसके बाद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी दुकान में आ चुका हूँ, और मैंने 2 कलर के कपड़े मैंने पसंद किए, एक पिंक और एक वाइट, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अब इसको ही ख़रीदते हैं और फिर निकलते हैं। और आप इसमें भी देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, इसमें और पसंद आ जाए। बट फाइनली हमने पैक करवा लिया 2 कपड़े लेके, और फिर भैया पैक कर रहे हैं भी सामने, कटिंग करेंगे उसके बाद नाप के, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, कपड़े ले लिए और अब चारों टेलर के पास सीधे, और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, 2 शर्ट के कपड़े लिए हैं। तो वैसे हल्की हल्की बारिश से स्टार्ट हो गई है, और मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा, वरना क्या पता रास्ते में भीग जाऊं। और हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पिछली बार गए थे, ठीक है, हमारा उनके साथ जान पहचान है, तो दोबारा से भी उन्हीं के पास हम सिलवाएंगे कपड़े। तो फ्रेंड्स, वापस से हम कमरे पर जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे टेलर साहब थे वो अपने जगह पर है नहीं, तो वो भी यहाँ पर है नहीं दुकान पर, बाकी बात उसके साथ ही लोग हैं, लेकिन वो नहीं है, जिससे हमें कपड़े सिलवाने थे, तो वो कह रहे हैं कि कल आना। तो गाइस, आज तो नहीं हो पाया, आप कब हम जाएंगे, कपड़े ले लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश हो रही है तेज़।
अगर इधर हम फंस गए तो फिर ड्यूटी ड्यूटी क्या जाएंगे, बारिश में ड्यूटी नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। वापस हम अपने घर पे आ गए हैं क्योंकि आज तो हो नहीं पाया, बाकी बात कल देखते हैं।